जब भाजपा सरकार ने शहीद अमृतपाल जी को, अग्निवीर अमृतपाल जी को कोई सैन्य सम्मान नहीं दिया, अंतिम श्रद्धांजलि नहीं दी, तब पंजाब पुलिस को, मानसा जिले की पंजाब पुलिस को जब यह बात पता लगी तो पंजाब पुलिस ने अंतिम विदाई के समय पूरे स्टेट ऑनर्स और राजकीय सम्मान देने का फैसला किया और उनकी अंतिम यात्रा पे पंजाब पुलिस ने सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। साथियों, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन आज इस इंसिडेंट के बाद केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की नीतियों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि यह देश सैनिकों की वजह से है, नेताओं की वजह से नहीं है। ये बात जितनी जल्दी भाजपा सरकार समझ ले उतना देश के लिए अच्छा। हमने शुरू से कहा था कि अग्निवीर योजना देश की सेना के साथ एक खतरनाक प्रयोग है, कहीं ना कहीं इससे सेना के बल पर और सैनिकों के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा, इस स्कीम को मत लागू करिए। लेकिन भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, जिसका आज जीता जागता उदाहरण हमने कोटली कलां के मानसा जिले में स्थित शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के केस में हमने देखा। ये अग्निवीर स्कीम आनन फानन में लागू करी गई और विपक्ष की जितनी आशंकाएं थी उन सारी आशंकाओं को कहीं ना कहीं सच साबित करने का काम